हेलो इवनिंग अपडेट बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बैठक भोपाल के मंत्रालय में ये शुरू हो चुकी है। खबर है कि इस बैठक में कई अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होगी। चार हाईवे पर टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव इस बैठक में मंजूर हो सकता है। साथ ही अलग अलग ऐसे कई प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी। बैकलॉग पद भरने के लिए भर्ती अभियान की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही न्यायिक सेवा के चयनित उम्मीदवारों को बॉन्ड भरना होगा। बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होगी जिन पर निर्णय कैबिनेट ले सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। भोपाल के मंत्रालय में ये बैठक चल रही है। अलग अलग प्रस्तावों पर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लगेगी। थोड़ी देर बाद जब बैठक खत्म होगी तब पता चल पाएगा कि किन किन प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हुई है और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लेकिन यह बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या एजेंडा रहेगा बैठक का और क्या मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा होना है और मुहर लग सकती है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है और इसमें कई सारे फैसले होने वाले। जैसा आप जिक्र कर रहे थे, कुछ टोल टैक्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। बीच में उस पर निर्णय लिया गया था बंद करने का, लेकिन अब नए सिरे से उस पर काम होने वाला है और आज पूरा उसका एक प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद उस पर मोहर लग जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि 30 जून के आसपास जो बात कही जा रही, 30 जून 2020 तक जिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी थी उस पर भी आज मोहर लग सकती है, यानी उस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले जो तारीख थी वो पुरानी तारीख थी, लेकिन उस तारीख में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज मोहर लगने वाली बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। थोड़ी ही देर में इस बैठक में जो भी निर्णय होंगे वो हम सबके सामने होंगे। दीपक, चलिए, तो फिलहाल हम समझ सकते हैं थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद ही ज्यादा समझ पता चल पाएगा। लेकिन मनोज, आप नजरें बनाए रखिए, जो भी अपडेट्स होगा हम समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े, एग्जीक्यूटिव एडिटर। उन्होंने बताया अलग अलग प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा किन किन प्रस्तावों पर बैठक में